सूरह अनआम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 152 में इरशाद फरमाया, अल्लाह अकबर, इजा कुल तुम फादलू, जब तुम बात करो अदल किया करो, फैसला करो अदल किया करो, वलौ कान ज़ा क़ुर्बा, फिर वो फैसला चाहे तुम्हारे किसी करीबी रिश्तेदार के खिलाफ ही क्यों ना हो, हक बयान जो है हक के साथ अदल किया करो, अदल इंसाफ किया करो। ये भी अगर हक न अदल नहीं होगा तो हक कभी गालिब नहीं होगा। हक हक को गालिब करने के लिए अदल भी लाजिम है, इंसाफ भी लाजिम है। अदल करना है चाहे सामने मेरा भाई क्यों ना हो, चाहे मेरे वालिद के खिलाफ फैसला क्यों नहीं आ रहा, चाहे मेरी बेटी के खिलाफ फैसला क्यों नहीं आ रहा, मेरी बीवी के खिलाफ फैसला क्यों नहीं आ रहा, मेरे बेटे के खिलाफ फैसला क्यों नहीं रहा। हक बयान करो, अदल करो। तो फरमाया ये अदल लाजमी है। अल्लाह ताला ने फरमाया वबिअहदिल्लाह, फरमाया अल्लाह ताला तुम्हें ये हुक्म दे रहा है, वबिअहदिल्लाह औफू, अल्लाह जो तुमने अहद किया है, जो वादा करके आए हो अल्लाह से कि हम अदल करेंगे, वो वफा करो, पूरा करो। अल्लाह ने खुद फरमाया ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून, ये अल्लाह फरमाता है कि मैं तुम्हें ये हुक्म दे रहा हूं कि अदल किया करो, और इस अदल का तुमने मुझसे अहद किया है, हमने किया है, भूल गए होंगे, हमने अल्लाह से अहद किया है। ज़ालिकुम जो अल्लाह ताला फरमाता है ताकि तुम जिक्र करने वाले बन जाओ। ये क्यों फरमाया, यानी जब फैसला करने बैठो अल्लाह को याद कर लिया करो कि अगर मैंने इस फैसले में डंडी मारी, अदल न किया, तो फिर अल्लाह की अदालत लगेगी, वहां पर मैंने ये खमियाजा भुगतना पड़ेगा मुझे। जब वो वक्त याद आएगा तो फिर खौफ अल्लाह का आ जाएगा, अदल करेगा। ये अदल अल्लाह अकबर कबीरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अदल हुआ। कैसे हुआ, सही बुखारी की हदीस नंबर 3475 3475 यह हदीस खोल कर पढ़ लें। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका ताहिरा मुतहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि कुरैश कबीले की किसी औरत ने चोरी कर ली। कुरैश कबीला आला खानदान था, आला कबीला था, और उसका नाम था फातिमा। क्या नाम था, फातिमा नाम था। अब जब वो चोरी साबित हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल फरमाया और फरमाया इसका हाथ काट दिया जाए। तमाम लोग परेशान, ये एक तो आला खानदान की है, आला खानदान की है, और ये तो सारी बदनामी होगी, या हो सकता है इसका हाथ काटने से कबीला इस्लाम से ना फिर जाए, सब चीजें सोची होंगी उन्होंने। तो आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये सिफारिश कौन लेकर जाए। आखिर सहाबा किराम इस पर मुत्तफिक हुए तमाम लोग कि उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो सहाबी हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, लिहाजा इनकी बात को आप नहीं टालेंगे, इनको भेजें। तो जब हजरत उसामा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में आते हैं, अर्ज करते हैं ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुरैश कबीले की औरत है और वो कह रहे हैं कि ये आला खानदान है, उनकी बदनामी होगी, जो कुछ भी कहना उन्होंने कहा, तो मतलब क्या है उनकी बात आप तक पहुंचाई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उसामा अल्लाह की हुदूद में सिफारिश करते हो, इन्नमा अहलकल्लज़ीन क़ब्लकुम, तुमसे पहले जो लोग थे उनकी हलाकत का यही सबब था, अन्नहुम कानू इज़ा सरक फ़ीहिम शरीफ, जब कोई बा असर आदमी चोरी करता या कोई जुर्म करता, तरकू उसको छोड़ देते, तरकू उसको छोड़ देते, ये जी आला खानदान का है या बड़े रुतबे वाला है, ये किसी पहुंचने वाली सरकार है, उनको छोड़ देते थे। और वइज़ा सरक फ़ीहिम ज़ईफ़, और जब कोई कमज़ोर आदमी फंस जाता
गरीब आदमी फंस जाता, फरमाया अकामु अलैहिल हद, उसके ऊपर हद जारी कर देते, उसको सजा सुना देते, इसलिए वो हलाक हुए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनाकर फिर फरमाया, वाइमुल्लाह कसम है मुझे अल्लाह की, लौ अन्न फातिमत बिन्त मुहम्मद सरकत, मुझे कसम है अल्लाह की, अगर फातिमा बिन्त मुहम्मद यानी मेरी बेटी फातिमा भी अगर चोरी करती, लकतअतु यदहा, मैं उसका भी हाथ काट देता। ये अदल जब आएगा फिर समझ लो कि हक गालिब होगा। ये अदल, लोग ये अदल देख कर आएंगे, देखो जी जमात मुस्लिमीन में अदल है तो ये है, देखो किसी की परवाह नहीं करते, अदल करते हैं, फैसला करते हैं। तो ये अदल लाजमी है, कहीं पर भी पूरी दुनिया में जहां भी जमात मुस्लिमीन है, अपनी अपनी शाखों में, अपने अपने सूबों में, कोई ना देखो ये गरीब है या अमीर है, ये असर वाला है या ये तावन ज्यादा करता है, कोई नहीं, गलती छोड़ दो, नहीं नहीं नहीं, जब हदूद की बात आए, जब फैसला आए, उसके पास फिर अदल करो, किसी के खिलाफ क्यों ना हो। तो ये अदल हमारे अंदर आना चाहिए। तो मैं अर्ज कर रहा था, हक बना है गालिब होने के लिए, बात समझ में आ रही है, आ रही है, हक बना है अल्लाह ने बातिल पर गालिब होने के लिए। मैं आपको एक दो मिसालें दे दूं, भाई कलम बनाई है लिखने के लिए, किसके लिए बनाई है, लिखने के लिए, अब कलम को उठाओ कागज के ऊपर रख दो और फिर कहो कि ये कलम लिख नहीं रही, बनाई तो लिखने के लिए है, ये लिख नहीं रही, भाई कसूर कलम का है या, कलम तो लिखेगी लेकिन कब लिखेगी, जब हम उसको हाथ में उठाएंगे, कागज के ऊपर हरकत देंगे तो वो कलम अपना काम दिखाएगी, वो लिखेगी। हाँ एक बात और यहां पर है, कलम तो दे दी हाथ में लेकिन ऐसे शख्स के हाथ में चली गई कलम जो ना लिखना जानता है ना पढ़ना, अब क्या करेगा, कागज के ऊपर कलम तो लकीरें मारेगी जो उसने मारनी है, अब क्या होगा जब वो कागज के ऊपर लकीरें मारेगा, लिखना पढ़ना तो आता नहीं उसको बेचारे को, फिर वो कागज भी जाया हो गया, कागज भी और जो पेन की कलम की जो स्याही थी वो भी जाया हो गई, उसको भी खराब कर दिया, उसको भी खराब कर दिया। यही मिसाल है, कैंची बनाई है किसके लिए, काटने के लिए, किसके लिए, अब कैंची को उठाओ कपड़े के ऊपर रख दो कि जी ये काट नहीं रही है, बनाई है काटने के लिए, तो कसूर कैंची का है या कैंची वाले का है। तो आप कैंची वाला जब तक इसको उठाएगा नहीं और कपड़े के ऊपर रखकर चलाएगा नहीं, ये अपना काम नहीं दिखाएगी। और फिर बात वही आ जाती है, कैंची तो उठा ली, कपड़ा भी काटना शुरू कर दिया।